हुबली सिटी का जो आउटस्कर्ट्स यहाँ 10-12 मसीदी का मुतवाली लोग और 1000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स मिलके एक पुलिस इंटरेक्शन इवेंट रखा था, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत गुस्से किए। हम ड्रग्स के ऊपर बहुत अच्छा कार्रवाई किए हैं और हमें रिक्वेस्ट भी किया गया है कि ये जो ड्रग्स के ऊपर, ड्रग एलिमेंट्स के ऊपर, मीटर पट्टी के ऊपर, ये और भी आगे जारी रहे और उसके लिए पूरा सिंह का मौका रहेगा। और आज गौरी गणेश का जो फेस्टिवल हर जगह चल रहा है, सारे मिलकर हमें ये आश्वास दिया है कि जो भी गौरी गणेश का प्रोसेशन आएगा मसीदी के दरगाह के सामने, वहाँ के जो लीडर्स रहेंगे, रिलीजियस लीडर्स हो या कम्युनिटी लीडर्स हो, वो खुद रह के उसको पार करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सबको जो भी हमें देख रहे हैं, आप सबको हम ईद मिलाद 16 को आने वाला है उसका शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सब शांति से प्यार से गौरी गणेश हो, ईद मिलाद हो, हर कोई हमारा जो कर्नाटक भारत का जो कल्चर है वो जिंदा रखने के लिए हर कोई कोशिश करना। डीजे का रिस्ट्रिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से किए हैं, बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किए हैं। पूरी दरबार सिटी बंदोबस्त के लिए 3000 से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ, लेकिन पार्टी आर्य सब मिल के हमारा कोशिश चल रहा है। ऑफिस या कम्युनिटी लीडर से उन सबसे मिले हैं, बहुत ज़्यादा पीस कमेटी मीटिंग किए हैं, रोड वॉक पेट्रोलिंग करके हर दिन 8-10 किलोमीटर वॉकिंग किए हैं। तो इन सब का प्रयास के हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि सब कुछ पीसफुली होगा, शांति से होगा। और मैं ये गुजारिश भी किया हूँ सबसे कि अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए ज़्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन एक चीज़ ऐसा है जो पूरा समाज को बदल सकता है। अम्बेडकर ने बोला है, गांधी, हर कोई महान नेता है, वो सब है कि एजुकेशन से ही हर कोई समस्या का हल है। तो ये भी मैं डीजे का तो अभी सुप्रीम कोर्ट गई, जो साउंड जितना हुआ वो तो सबको पता है, 10 बजे तक परमिशन रहेगा। उसके बिसाइड्स दैट, उससे जो भी कंडीशन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगा वो सब फॉलो करने का रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, अभी 2 साल से गणपति का जो स्टैचू है इनका मैदान में बिठाया जा रहा था, इस साल भी बिठाया है। पिछले 2 साल थोड़ा कोर्ट ऑर्डर का और डिसीजन में लास्ट मिनट तक थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट में था, कोर्ट भी वेटिंग था। लेकिन इस बार हर कम्युनिटी के जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उन सबसे बात करके 2-3 दिन पहले ही परमिशन दे दिया उनको कि 7th को 3 डेज दिया जाएगा और प्रिपरेशन के लिए 1 दिन दिया जाएगा। अभी 3 दिन का परमिशन है, कल सुबह 11 बजे के बाद वो इमर्शन के लिए प्रोसेशन के थ्रू लेके जाएंगे। तो कोई यूपी के लोग जाके देखे आ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स जो है, उन सभी से मिला हूँ। वो सब हमको अश्योरेंस दिया है कि बहुत शांति से कल इमर्शन प्रोसेस किया जाएगा। एचडीएमसी ने परमिशन दिया है, कल सुबह 11-12 बजे के बाद वो इमर्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा और शाम 3-4 बजे तक शायद खत्म होने का हमें अंदाजा है। वो ईदगाह का देखिए, वो एक है, उसके साथ साथ पूरा उबली दारा कमिश्नरेट में 1000 से भी ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में गणेश का इंस्टॉलेशन हुआ है। अभी 16 का जो ईद मिलाद का प्रोसेशन है वो धारवाड़ में एक जगह पे है और उबली में 2 जगह से आके फाइनली एक जगह में कंक्लूड होता है। हर चीज, वो गणेश का हो या ईदगाह का गणेश हो या दूसरा गणेश हो, ईद मिलाद का प्रोसेशन हो, हर कोई शांति से करना, यही हमारा रिक्वेस्ट है। और हम पूरा सीसीटीवी लगाए हैं और हमारा पूरा वीडियो, और जो कोई भी उधर कुछ भी हरकत करेगा वो सब डॉक्यूमेंट किया जाएगा। अगर कोई शांति बंद करने का, मतलब शांति कदड़ो अंत प्रयत्न यार मारता है, और मैं लगते कानून क्रम कैगे। ईद मिलाद आगिरबहुदु, गणेशोत्सव आगिरबहुदु, ಎರಡು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಬಹುಶಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ
खुशी खुशिया आचरण वातावरण इवत्तु औली नगर दल्ली निर्माण आगे अन्नुवंतद्दन्न नानु ई संदर्भदल्लि अत्यंत खुशियिंद हेळ बयसुत्तेने। ई संदर्भदल्लि नूरानी मस्जिद वतियिंद इवत्तु ई ओंदु प्रमुख हाल नल्लि अल्पसंख्यात समुदायद प्रमुखरेल्लरू सेरिबिट्टु ओंदु मान्य पोलीस आयुक्तरन्न करेदु अवर नुडिगळन्न केळुवंत कार्यक्रम एन्नु आयोजने माडिद्रे। ई कार्यक्रम उद्देशिसि मातनाडिदंत शशिकुमार साहेबरु सहित ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕರಾಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಿತ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿತದೆ, 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿರುವಂತ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಒಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಜುಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಆ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳದಾದ್ರೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ। ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಎರಡು ಹಬ್ಬ ಎರಡು ಸಮುದಾಯದವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಕೋರಿದಂತ ಸಹಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ಮುತೊಲೆಗೆ ಜಮಾಶಿ ಹಮಾರೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಮೈ ಯೇ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂ ಕಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಡ್ಲರ್ ಕೋನ್ ಭಿ ಹೈ ಯಾ ಬಡ್ಡಿ ಶಿ ಕೋನ್ ದೇತಾ ಗಲ್ತ ಕಾಮ ಕೋನ್ ಕರ್ತಾ हम ही ऐसो पुलिस कमिश्नर को बोलने वाले ये 10-15 मुतले क्यों बोले तो आज एक बच्चा या ड्रग चालू कर या नशा कर तो आने जाने वाले बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे एकदम मार बेकर बोल पूरे बच्चों का गांजा यूज कर बोलेगा तो वो पूरे बच्चे हमारी पूरी सोसाइटी खराब होती है। तो सोसाइटी खराब नहीं होना अगर वो बोले तो हमें एक 15-20 मुतलिया मिलकर ये आने वाले दिनों में जो भी रंदे या कौन भी नशा करता कि नहीं कि हम ही बोलने वाले ये जमात में हम ये तय करने वाले क्यों बोले तो ये सावधान रह जाओ कि बोले तो नशा करना हराम है, बड्डी से देना इस्लाम में हराम है, मुसलमान को बड्डी खाना हराम है। ये हम ही ये कहाँ जा रहे हैं भाई, ये हम ही ये कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। अभी अभी कमिश्नर साहब बताए 15 साल का बच्चा 14 साल को 10,000 बड्डी दिया, अगर बड्डी नहीं देनी चाहिए उसका गला काट दिया, ऐसा ये नहीं होना रहा। तो मैं समझता हूँ तमाम मुसलमानों के जिम्मेदार जितने भी लोग हैं या हिंदू भाई लोग कितने भी जिम्मेदार है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी कौम का जो भी कौम के बच्चे का कौन मेरे अंदर अगर वो गलत कर रहा है, वो नशा कर रहा है या चोरी कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये बोले कि जाकर पुलिस को बोले या हमारी सोसाइटी में लेगा बोले या समाज में लेगा बोले उसे सुधारने की कोशिश करना। अगर नहीं कोशिश करे तो आने वाले दिनों में हमें पोलिशन में ये देने वाले अगर ये कौन भी अपने दोस्तों को ये किसी भी आप जाकर समझा सकते हैं अगर ये आने वाले दिनों में क्यों बोले तो ये कीड़ा है ने पूरे मछली को खराब कर देती है, ये आने वाले दिनों में नहीं होना बोल को मैं ये बात करने मौका दिया मुझे। नोरानी प्लाट बेरबंद के अयोध्या नगर के व्यापारी प्लाट के भांटी कट्टा के सदर सोपा की जमात, मस्तान सोपे की जमात और हम्पी टाउन की जमात, जौली प्लाट की जमात, टीपू नगर की जमात और सदाशिव नगर की जमात और कलमेश्वर नगर की जमात, वो 20-25 जमात वाले